नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों का स्वभाव, आचार विचार, स्वास्थ्य और गुण दोष, पारिवारिक जीवन के संबंध में कुछ सटीक जानकारी देने वाली हूँ। यदि आपकी राशि वृष है तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने बारे में जानें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी विशेषता से। वृषभ राशि के जातक मजबूत और सुसंगत व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वृषभ राशि चक्र में आने वाली दूसरी राशि है। ये लोग शांत व कोमल होते हैं, लेकिन अपनी दिमागी क्षमता को भलीभांति जानते हैं। वृषभ राशि के जातक धन, संपत्ति और ख्याति प्राप्त करना पसंद करते हैं। इस राशि के जातकों में हावी रहने की प्रवृत्ति रहती है, इसीलिए ये लोग स्वाभाविक रूप से कठोर और निश्चयी रहते हैं। ये लोग अपनी दिनचर्या में किसी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं करते। वृषभ राशि के जातक उन लोगों में से होते हैं जो जीवन में अपनी पसंद की हर वस्तु आसानी से पाना चाहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी और बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये वे लोग होते हैं जिन पर आप मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं। सुरक्षा और प्रतिबद्धता इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। वृषभ राशि के जातक अपने साथी को स्वतंत्रता देने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ये लोग छोटी छोटी इच्छा पूरी होने की ख्वाहिश रखते हैं। वृषभ राशि के लोग बुरे वक्त में गंदी आदतों में आसानी से फंस जाते हैं। ये लोग पेशे से बिल्डर और निवेशक आदि होते हैं। वृषभ राशि के जातकों को अपने कर्तव्य, दायित्व और विश्वसनीयता का एहसास होता है। वृष राशि का स्वास्थ्य। वृषभ लग्न आपको एक मजबूत और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, लेकिन कुछ सारे शारीरिक समस्याओं का सामना आपको जीवन भर करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आप तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आपका जन्म मई मास में हुआ है तो आपको अधिक वजन की भी समस्या हो सकती है। कभी कभी यौन रोग आपको अपने प्रभाव में ले सकते हैं। इसके अलावा जीवन में ग्रीवा, केश रुख, निचले जबड़े, दांत थोड़ी और तालू की समस्याएं होने की संभावनाएं भी बनती हैं। गुर्दे, गुप्तांग, मूत्राशय, गर्दन और गले में होने वाले रोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। वृष राशि का स्वभाव व व्यक्तित्व। वृषभ लगन के अंतर्गत जन्म लेने के कारण आप कुछ अव्यवहारिक हो सकते हैं, जिसके कारण नए लोगों को आप ना भाएं। अपने शांत और अंतर्मुखी व्यवहार के कारण नए लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता और समझा भी नहीं जाता तो आप में दूसरों के प्रति आक्रोश और रूढ़िवादिता की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपको अक्सर नए दोस्त बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप नए लोगों से मिलने में संकोच करते हैं। आप विश्वसनीय और व्यवहारिक प्रकृति के हो सकते हैं। आपका यह स्वभाव आपके कारोबार में आपको एक अच्छी सफलता दिला सकता है। आपके व्यक्तित्व में कामुकता का भाव भी हो सकता है। इसके कारण आप सभी क्षेत्रों में भौतिक सुख प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप काफी उगमी प्रकृति के भी हो सकते हैं। आप अपने कार्य को अपने अनुसार निश्चित समय में पूरा करते हैं व दूसरे लोगों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी करते हैं तथा उनकी प्रतिभा की भी खुलकर तारीफ करते हैं। उस समय आपका व्यवहार किसी बॉस के समान भी हो सकता है। आपकी राशि के व्यक्तियों को आसानी से आकर्षित नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा किया भी जाता है तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। आप लोग अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति काफी अड़िग रहते हैं और अपने दृष्टिकोण को बदलना आसान बिल्कुल नहीं होता है। आपके स्नेही प्रकृति और सच्चाई की सराहना करने का गुण दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। इसी के कारण आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप स्वभाव से आवेगी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके साथ जबरदस्ती का व्यवहार किया जाए तो आप उग्र हो सकते हो। कई बार आप पूर्वाग्रही और जिद्दी भी हो सकते हो। आप काफी सावधानी से अपने दोस्तों का चयन करते हो तथा आप झूठ बोलना पसंद नहीं करते, हालांकि आपको आसानी से मनाया भी जा सकता है। वृष राशि का शारीरिक रूप रंग।
वृषभ लगन के लोगों में कम ऊंचाई वाले और कभी कभी दुबले कदकाठी के होते हैं। आमतौर पर आप लोग सुंदर कदकाठी, ऊंची नाक, चमकदार आंख और कामुक होठ वाले होते हैं। आपका जितना चेहरा सुंदर देखने में होता है उतना ही आप भाग्यशाली नहीं होते हैं। आपकी शारीरिक संरचना चौकोर आकार की होती है। आप लोगों के पीठ पर कुछ निशान भी होते हैं। वृषभ राशि लग्न के लोग मेल जोल वाले होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।